दलित महिला सफाई कर्मी लक्ष्मी देवी का 2 साल 5 महीने का नहीं दिया वेतन। विधान निरहु कन्नौजिया शकील अहमद खान राजेंद्र यादव 2,61,000 रुपया बंदरबाट करने में जुटे। पीड़ित दलित महिला लक्ष्मी देवी बीडीओ डीएम से लगाई न्याय की गुहार, नहीं मिला न्याय। आग कैसरी ग्राम नचौरी का मामला, मास्टरमाइंड शकील अहमद खान निरहु राजेंद्र यादव। विधान निरहु कन्नौजिया शकील अहमद खान राजेंद्र यादव 2,61,000 रुपया बंदरबाट करने में जुटे। आग कैसरी ग्राम नचौरी का मामला, मास्टरमाइंड शकील अहमद खान निरहु राजेंद्र यादव। दलित महिला लक्ष्मी देवी का सामुदायिक शौचालय 19 नवंबर 2021 का हुआ था समूह के माध्यम से ज्वाइन। दलित महिला लक्ष्मी देवी का वेतन लक्ष्मी के समूह में भेजना चाहिए था रुपया, दूसरे के समूह में भेजकर निकलवाने के फिराक में थे जालसाज शकील अहमद खान निरहुई कन्नौजिया राजेंद्र यादव। मास्टरमाइंड शकील अहमद खान के इशारे पर प्रधान निरहु और राजेंद्र यादव के पत्नी के नाम से रुपया निकलवाना चाह रहे हैं। ब्लैक कैसरी ग्राम नचौरी का मामला, दलित महिला लक्ष्मी देवी के समर्थन में नचौरी की 10 समूह की महिलाओं ने किया समर्थन। पीड़ित दलित महिला गैसरी ब्लॉक वीडियो और डीएम से लगाया न्याय की गुहार, नहीं मिला न्याय। क्या मामला है? मामला है कि अरे नौकरी करीत रहे, 2 साल 5 महीना हो गए, तो मैं नहीं दे चाहत है सैलरी, नहीं दे चाहत, हाँ नहीं दे चाहत है। शकील मोहम्मद अजिंदर कहन उनके उत्तमा देवी कहन उनके खाते में पैसा भेज दी है समूह के नाम से, ना उनके समूह में पैसा, हाँ उनके समूह में पैसा भेज दी है, उन्हीं के नाम से निकलवा रहे हैं। हम नहीं दे चाहत है कि इनके दे दी हम, तो ये काम आप कर रही हो, पैसा उसको दे रहे हैं? हाँ पैसा उनका दे रहे हैं, काम हम कर रहे हैं। इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? शकील, निरहु और राजिंदर। अच्छा, आपने कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिया? गैसड़ी दिया, बलरामपुर दिया, सब जगह, कहीं कोई कार्रवाई नहीं? नहीं, कहीं नहीं सुनाई हो रहा हमारी कि कहीं सुनाई हो रहा है। अच्छा, कितना पैसा दूसरे समूह में भेजे? 24,000। अच्छा, आपके समूह में नहीं भेजे? नहीं, मेरे समूह खाते में भेजे? नहीं, मेरे खाते में नहीं भेजे हैं उनके। तो ज्वाइनिंग आपका है? हाँ, हमारे आपका। क्या मामला है? मामला ये है सर कि सामुदायिक शौचालय बना है पंचायत भवन में, तो मतलब ये समूह के माध्यम से है, तो हमारे गांव में 10 समूह चल रहा है, तो एक ग्राम संगठन भी है, मतलब पूरे समूह मिला के एक ग्राम संगठन बनाया गया बड़ा, उसमें से सब लोग मिल के मतलब लक्ष्मी देवी को नियुक्ति किया गया, पूजा समूह में वो हैं। नियुक्ति इनकी 19 तारीख 11/2021 में हुई है। अच्छा। और अब चल रहा है 25 तारीख 4/2024, 2 साल 5 महीना हो गया, सैलरी नहीं दे रहे हैं जी। क्या कारण है सैलरी नहीं दे रहे हैं? ये कारण है कि मतलब वो दूसरे को किए हैं। अच्छा, कौन किया? ये प्रधान और सखी। प्रधान कौन है? प्रधान निरहु प्रसाद। अच्छा, और एससी सीट था? हाँ, एससी सीट था। इसको कौन जिताया था? शकील। अच्छा, तो शकील महतो दूसरे को दिलवाना चाह रहे हैं? हाँ, दूसरे को दिलवाना चाह रहे हैं। कौन, किसको दिलवाना चाह रहे हैं? उनका नाम है राजेंद्र, मतलब राजेंद्र प्रसाद उनकी पत्नी को, राजेंद्र यादव की पत्नी। हाँ, उनकी पत्नी उत्तमा को। अच्छा, और उनका नाम ओम भी नहीं है। अच्छा। इनका ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। अच्छा। इनका हो चुका है, लेकिन ये लोग दबाव की वजह से उनको मतलब दिलवा रहे हैं हम लोग से, और हम लोग के ऊपर इतना दबाव कर रहे हैं कि 4-5 बार हम लोग के ऊपर दरखास्त भी दे चुके हैं थाने पे, और फिर पुलिस भी, दरोगा भी बुलवाए, मतलब दबाव की वजह से इतना दबाव दे रहे हैं, धमकी भी देते हैं। यही इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड कौन है? शकील अहमद खान, वही है, वही मतलब अब सबको बोलते हैं तभी तो वो लोग करते हैं। अच्छा। और ये प्रधान निरहु प्रसाद और राजेंद्र, ये तीनों लोग हैं। अच्छा। हाँ, ये 2 साल 5 महीना हो गया, इनको सैलरी अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है। अच्छा, तो आप कहाँ कहाँ एप्लीकेशन दिए? हम यहाँ बलरामपुर कलेक्टर साहब के पास गए थे, वहाँ एप्लीकेशन दिए हैं, और हमको कोतवाल मतलब गैसरी कोतवाल पे ब्लॉक पे मतलब हर जगह बुलाए थे, लेकिन हम बताए ब्लॉक पे भी कर चुके हैं, ये एप्लीकेशन हर जगह दे चुकी थी। हाँ। कुछ भी नहीं हुआ। तो हमारे ऊपर तो सबसे ज्यादा दबाव देते हैं। अच्छा, क्योंकि आप अध्यक्ष हैं। हाँ, हम ही मेन हैं। हाँ। हम समूह सखी हैं। हाँ। मतलब सारे समूहों की। अच्छा। देखभाल हम ही करते हैं ना, तो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा दबाव देते हैं। क्या नाम है? श्यामावती। क्या मामला है? मामला सर यही है कि ये लक्ष्मी देवी का दिया जावा चाहता है, उन्हें दिया गया रहा, और अब दबाव से दूसरे के दिया था। क्या दिया था? शकील अहमद खान। हाँ, शकील अहमद खान देते हैं। हाँ, कहा था दूसरे पैसा निकलवाई। हाँ, निकलवाई। अच्छा, ये नहीं पैसा नहीं दे चाहा? हाँ ना, इनका पैसा ना। अच्छा,
तो पूरे जितने भी समूह थे सब लोग सहमत थे। हाँ सब लोग, हम तो चाहे थे सर की लक्ष्मी देवी का भेजे भी तो हैं, पैसा भेजे हैं 24,000 रुपया केवल भेजे हैं। किसके खाते में? दो साल पाँच महीना में केवल 24,000 भेजे हैं, तो भेजना चाहिए था इनके समूह में, जैसे इनका नाम है तो इनके समूह में भेजना चाहिए था, लेकिन वो दूसरे समूह में भेज दिए हैं। पैसा दूसरे समूह में भेज दिए हैं, और जो जिनका कुछ भी नहीं है उनके नाम से पैसा निकलवा रहे हैं, के बोल रहे हैं कि ये मतलब शौचालय में है और उन्हीं के नाम से पैसा निकलवा रहे हैं, और हम लोग इसीलिए नहीं फर्जी पैसा नहीं निकाल रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर इतना दबाव देते हैं। देश में योगी की सरकार और केंद्र में मोदी की सरकार, और योगी की सरकार का दावा है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश, लेकिन यहाँ पे भ्रष्टाचार ऐसे दीमक के तरह खा रहा है कि उत्तर प्रदेश के योगी सरकार को भनक तक नहीं लग रहा है। इस वक्त समाचार भारत देख सकते हैं, यह नचौरी में है, और नचौरी में इस सामुदायिक शौचालय है, और यह नचौरी जो प्रधानी का चुनाव था वो सुरक्षित सीट था, यस्सी सीट था, और यस्सी सीट को निरहु प्रसाद कन्वजिया को चुनाव जिताए थे शकील अहमद खान ने, और वही नाम का तो निरहु प्रसाद कन्वजिया है प्रधान, लेकिन काम शकील अहमद पूरे ग्राम सभा का कर रहे हैं। और उसके बाद इसी शौचालय में लक्ष्मी देवी का 19/11/2021 को सफाई कर्मी के पद पर नियुक्ति हुआ था, और इस वक्त 24/4/2024 चल रहा है, लगभग 2 साल 5 महीना हो गया, और 2 साल 5 महीना का जो सैलरी होता है 2,61,000 रुपया, और यही 2,61,000 रुपये को निकालने के लिए प्रधान और प्रधाननी जो चला रहे हैं शकील अहमद खान ने कूटरचित तरीके से षड्यंत्र रचा, और षड्यंत्र रच करके शकील अहमद खान जो पैसा निकालना है, लक्ष्मी देवी जो समूह से ज्वाइनिंग हुई थी, 10 समूह ने उनको नियुक्ति किया था, लक्ष्मी देवी के जो समूह था उसमें पैसा भेजना था, लेकिन 2 साल 5 महीना हो गया, लक्ष्मी देवी के खाते में फूटी कौड़ी तक नहीं आया, और वो पैसा किसी दूसरे समूह में भेज करके मात्र 24,000 निकालने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्मी देवी हार नहीं मानी। गैसड़ी ब्लॉक और डीएम ऑफिस पे गुहार लगाई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। समाचार भारत से लक्ष्मी देवी और नचौरी के जो समूह के अध्यक्ष हैं, यहाँ पे महिलाएं हैं, उन्होंने समाचार भारत से गुहार लगाई कि साहब हमारी मदद कीजिए। अब उसके बाद सारी हकीकत का पता ये चल रहा है कि इसका सबसे बड़ा मास्टरमाइंड जो है वो शकील अहमद खान है, और वही 2,61,000 रुपया लक्ष्मी देवी को देने के बजाय वो किसी दूसरे खाते में भेज करके अपने हाथ में लेने का प्रयास कर रहा है। तो अब देखना है समाचार भारत पे खबर चलने के बाद इस शकील अहमद जो षड्यंत्रकारी है, और निरहु प्रसाद कन्वजिया, और जो राजेंद्र यादव है, अब देखना है कि इन तीनों पे कार्रवाई होता है या खुलेआम इनको छोड़ दिया जाता है इसी नचौरी ग्राम सभा में भ्रष्टाचार करने के लिए। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, नचौरी, गैसड़ी, बलरामपुर।